माय यूट्यूब चैनल विलेज फूड एंड क्राफ्ट। आज हम आप लोगों को आलू परवल की सब्जी बनाने की विधि बताएंगे। इसके लिए हमने एक चम्मच पीसी धनिया ली है, एक चम्मच पीसी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, दो लौंग, दो इलायची, एक तेज़पत्ता और ये हमने एक चम्मच साबुत जीरा लिया है और ये हमने लहसुन का पेस्ट बना लिया है। दो दो टमाटर काट लिए हैं और ये आलू हमने काट लिए हैं, दो बड़े प्याज और परवल, और ये हमने परवल को काट कर धो के साफ कर लिया है। अब हम आप लोगों को, हमने गैस को ऑन कर दिया है, परवल फ्राई करने के लिए हमने दो बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। अब हम परवल को फ्राई करने के लिए तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम परवल डालेंगे। ये देखिए हमारे परवल फ्राई हो रहे हैं। अब हमारे परवल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे आलू अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसमें लौंग डालेंगे और इलायची, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, और अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। सब्जी अच्छी बनने के लिए मसालों का अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, मसाला तेल छोड़ दिए। अब इसमें हम आलू और परवल, इसके बाद थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बहुत अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। और नमक हमें स्वाद अनुसार डालना चाहिए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए थोड़ी देर तक रख देते हैं। ये देखिए हमारी आलू परवल की सब्जी पक गई है। अब इसमें हम हरी धनिया डालते हैं। आलू परवल की सब्जी गरम गरम खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है।